We want justice. सर, हम कश्मीर तिबिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है शिलवत सोनावारी, उसी से आए हैं हम। जो है हम स्टूडेंट ऑफ UMS, हमारा जो कोर्स है वो UMS है, और हमारी डिमांड ये है कि हमारा जो कोर्स होता है वो 5.5 ईयर का होता है, जिसमें हमारा 4.5 ईयर जो है वो हमारा एकेडमिक सेशन होता है। यूनिवर्सिटी हमारे एग्जाम्स कंडक्ट करती है नॉर्मली, ठीक है। फिर हमारी जो कॉलेज है वो हमसे डिमांड कर रहा है 1 साल का एक्स्ट्रा फी, जो कहीं पे नहीं है। अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें, हमारे जो सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर किसी जगह जो है फ़ी नहीं मांगा जाता है, ठीक। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे, हमारा जो अगला और एक कॉलेज है जो कि जकुरा में है, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वहाँ पे भी इस जो हमारी 1 साल का एडिशनल फ़ी होता है वहाँ पे इसका जिक्र ही नहीं है कि ये हम क्यों दें। लेकिन हमारा जो कॉलेज है वो हमसे डिमांड कर रहा है 1 साल का एक्स्ट्रा फ़ी। हमें समझ नहीं आ रहा, अगर हमारा 4.5 ईयर का ये एकेडमिक सेशन है और उसके बाद हमें इंटर्नशिप और एक्सटर्नशिप होती है, हम ये जो 1 साल का फ़ी है क्यों दें? आखिर वजह क्या है? अगर हम इस साल में कुछ वहाँ पर कॉलेज हमें प्रोवाइड कर रहा है, देन वी विल गिव। लेकिन मसला ये है कि हमें कुछ नहीं है वहाँ पे। हमें बोला था 5.5 ईयर। जो हमारे बाद वाले बैचेस हैं उनसे ये बात क्लियरली इन्होंने बोली है एडमिशन के टाइम पे कि हाँ जी, ये 5.5 ईयर्स का कोर्स है और आपको 5.5 ईयर्स का फी देना है। पहले मैं अपने बैच की बात करूँ तो हमसे ये एडमिशन के टाइम पे भी नहीं बोला गया है। हमसे जो मतलब सिग्नेचर्स लिए गए हैं, हमारा जो फी स्ट्रक्चर उस टाइम दिया गया है हमें, उस पर 4.5 ईयर्स क्लियरली लिखा गया है सर। अभी ये हमसे भी ले रहे हैं और इनसे भी ले रहे हैं, और जबकि ये कहीं है ही नहीं सर। सर, सिंपली हमारी ये डिमांड है कि गवर्नमेंट इस पर लुक आउट करे, ये चीज़ को सॉल्व करे, क्योंकि इस टाइम ये हम सब स्टूडेंट्स के मेंटल पीस को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है। हम लोग अच्छे से पढ़ भी नहीं पा रहे सर, और ये चीज़ ये है कि हमारी एक्सटर्नशिप रिसेंटली स्टार्ट होने वाली थी, वो भी इन्होंने रोक रखी है। ये लोग बोल रहे हैं कि जब तक हम जो हमारी इंटर्नशिप 1 साल बाद स्टार्ट होने वाली है, जब तक हम उसका फ़ी नहीं भरेंगे तब तक ये हमें एक्सटर्नशिप के लिए भी नहीं जाने देंगे। जी, हम लोग 300 स्टूडेंट्स हैं।